एक और ऑडियो एक पीड़ित महिला ने कोतवाली प्रभारी से बात कर वायरल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद कोतवाली बिलारी की। महिला ने कोतवाली प्रभारी से अपने पति की ढूंढवाने की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि मेरे पति पिछले 9 महीने से गायब हैं। उसकी शिकायत कोतवाली बिलारी में की गई थी, लेकिन कोतवाली प्रभारी द्वारा महिला को थाने के चक्कर लगवाए गए, लेकिन गुमशुदगी कुछ दिनों तक दर्ज नहीं की गई। महिला को भरोसा दिलाया गया कि आपके पति को सही सलामत आपके घर ला दिया जाएगा, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी महिला के पति का पुलिस कोई भी पता नहीं लगा पाई। महिला का आरोप है कि मेरे पति घर से चंदोसी को कह कर गए थे। इतना ही नहीं, एक मोटरसाइकिल एक मोबाइल भी था, जो पुलिस अभी तक भी बरामद नहीं कर पाई। महिला ने सभी पदाधिकारियों के पास काफी चक्कर लगाए हैं। हद तो जब हो गई जब महिला ने कोतवाली प्रभारी से फोन पर अपनी आत्महत्या करने की बात कही। उसकी पड़ताल करने आज हमारी टीम उस गांव पहुंची जिस गांव की महिला निवासी है। मामला कोतवाली बिलारी के हरौरे गांव का है। महिला ने कैमरे पर अब बीती भी बताई। महिला ने कहा कि यदि पुलिस द्वारा मुझे जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो या मैं आत्महत्या करूंगी या फिर गांव छोड़कर पलायन करने की बात भी कही थी। बात तो उस सरकार की करें जिस सरकार में मुखिया क्राइम और अपराध खत्म करने की बात कह रहे हैं, काफ़ी हद तक पुलिस की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन जमीनी तस्वीरें और जमीनी हकीकत क्या है वो इन महिला के बयान से सुनिए। आपका एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या है मामला? मेरा मामला ये है कि मेरे पति 3 अक्टूबर 2019 को चलोसी गए थे शाम को 4:45 बजे और उनका अब तक मालूम नहीं है। मैंने काफ़ी ढूंढने बाद उनका मतलब इधर उधर ढूंढा, तब जब नहीं मिले तो 7 तारीख में मैंने 7/10/2019 को गुमशुदगी दर्ज कराई है कराई थी बिलारी थाने में। और मेरे पति को मैं रोज मतलब कि 9 महीने से लगातार जा रही हूँ थाने, कोई इंसाफ नहीं मिला, ऐसा कोई अधिकारी नहीं छोड़ा है मैंने, जिसके पास मैं मतलब प्रार्थना पत्र नहीं दिए हूँ मैंने। कौन सा गांव पड़ता है आपका? मैं हरौरे की हरौरा गांव पड़ता है, थाना बिलारी। अच्छा, जिला मुरादाबाद। तो आप कितनी बार थाना प्रभारी से मिली थी, क्या हुआ था? मैं 9 महीने से लगातार ही थाना प्रभारी से मिल रही हूँ और जाती हूँ, तो ये कहते हैं कि सुबह को आना शाम को आना, कभी तो कभी कभी तो ऐसा है 9 महीने में कि मैं दोनों समय गई हूँ, सुबह शाम दोनों समय, कल आना परसों आना, बस यही कहते हैं दरोगा फूल कुमार दरोगा, उनको हमारी जांच दे रखी थी तो उनसे भी मतलब जाते थे कहते कि हाँ बस देख रहे हैं कर रहे हैं प्रयास मिल जाएगा ये वो है, बस ऐसी मतलब गुमराह करते थे मुझे और अब तक गुमराह ही कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ अगर कोई भी मान ली कोई भी इंसाफ ले जाए कि उसको इंसाफ पाने का कोई अधिकार नहीं है या फिर चक्कर ही काटने का। आपने एक बोला ऑडियो में कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्या है, क्यों करेंगे आत्महत्या? मैंने ऑडियो में बोला है क्योंकि 9 महीने हो गए, 9 महीने से लगातार जा रही हूँ मैं अपने पति अपने पति के बारे में जानने के लिए, क्या है कहाँ है कैसे हैं कैसे नहीं है कुछ तो पता चले मेरे पति का, मगर कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब अगर पता नहीं चल रहा है तो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के लिए मैं इतनी परेशान हूँ। मेरे 6 साल का बच्चा है छोटा सा, वो मुझसे पूछता है कि मम्मी मेरे पापा कब आएंगे, यहाँ तक कि थाने जाते हैं तो पुलिस वालों से पूछता है पुलिस वालों मेरे पापा कब आएंगे, मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूँ इसके पापा कब आए। 9 महीने से मैं यही आस लेकर जाती हूँ कि हाँ आज कुछ होगा या कुछ उम्मीद है कि हाँ कुछ पता चलेगी, मगर नहीं, वही रहता है कि हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, प्रयास चल रहे हैं तो
अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, सब कुछ बेच कर अपने 6 साल के बच्चों को लेकर यहाँ से प्लान कर जाऊंगी या फिर आत्महत्या कर लूँगी। मेरा ये स्थिति है कि आत्महत्या कर लूँगी मैं, और मेरे 6 साल का बच्चा था तो मैं वाकई नहीं मर जाती, मैं आत्महत्या कर लेती सिर्फ अपने बच्चे की वजह से चुपूँ। मैं क्या करूँ, उम्मीद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। जैसे आपने अब 24 घंटे आपको ऑडियो को बीत चुके हैं, तो अब तक कोई पुलिस की तरफ से कोई आपको अभी कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई आया है जानने के लिए कि हाँ क्यों किया या क्या क्या, कुछ नहीं आया, ना फ़ोन आया ना कुछ आया, कुछ नहीं आया। इस मामले में मैं इतनी परेशान हूँ कि बस मैं जैसे ऑडियो में कह रहे हैं कोतवाल साहब को 2 दिन का समय दीजिए। ऐसा तो उन्होंने कई बार कहा है, मैं थाने तक गई तब भी 2-4 दिन रुक जाओ, इतने दिनों, अरे तुम इतने दिन से रुकी हो 2-4 दिन और रुक जाओ। मैं कितना रुकूँ, मैं 9 महीने हो गए अभी, 3 तारीख में 3 अगस्त में पूरे 10 महीने हो जाएंगे मेरे पति को, मैं कितना रुकूँ। जब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ, कितना रुकूँ मैं बताओ। क्या मुकदमा किसी के अपने तहरीर किसी के नाम दर्ज भी दी थी इसमें? मैंने नाम बताया, मैंने सब बात बताई है, पहले मैंने सोचा कि तो आपने जैसे नाम बताया कि पुलिस ने दबिश दी उसमें? दबिश नहीं, एक दो को लेके आई है, एक को तो हम मेरे देवर नंदो ने खुद दिया, मतलब हमें उसको सिर्फ सकता तो हमने वो करा तो उसको भी मतलब कि छोड़ दिया। एक बिल्कुल सस्पेक्ट है उस पर तो हमें पूरा कि हाँ इसके काम है, उसको भी लाएंगे, मगर उसको भी छोड़ दिया। जब मैंने कहा तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया, क्योंकि इसी के काम है, तो कह रहे हैं हमने छोड़ा नहीं, हमने सुपुर्दी कर दिया, जब चाहेंगे जब कहेंगे तब उसको आना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं। मगर अब तक 9 महीने बीत गए, कोई कुछ नहीं देखा। क्या नाम था उसका जो सुपुर्दगी लाए थे उसे, जो पुलिस ने छोड़ा? दू ठाकुर चंद्र थाना फैजगंज बैठा निवासी जगतवा गाँव है, जिला बदायूं। अच्छा जी, तो उसे छोड़ दिया, तो छोड़ जैसे दिया। आपने कहा होगा दोबारा बुलाइए, तो आपने बुलाया पुलिस ने? नहीं बुलाया पुलिस ने। मैं कहती हूँ कि आप लोग क्यों इतनी ढील कर रहे हैं मेरे पति को, कुछ कुछ तो पता चले। पहले तो कह रहे हैं शुरू में कि तुम्हारे पति हिस्ट्री सीटर हैं, ये काम करते थे असले का, ये अपने से गायब हुआ, गायब भी हुआ, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हुआ? क्या उनके साथ कोई बाइक भी थी? बाइक थी, उनका मोबाइल था, ना बाइक मिली है ना मोबाइल मिली, नई बाइक थी हमारी, कुछ भी पता नहीं चला पाए हैं। हम तो कह रहे तुम बाइक मोबाइल नहीं है, हमारे पति का पता लगा दो बस। नहीं तो पुलिस की तरफ से कोई क्लू अभी तक मिला होगा आपको? कोई क्लू नहीं मिला है, हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई मुझसे कहते हैं जब मैं कहती हूँ कि तुमने क्या करा तो क्यों नहीं पता लगा कर, अगर तुम गुड्डू ठाकुर आया था उससे भी कुछ नहीं पता कर पाए, तो कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है, सबूत मैं लेके आऊँगी, पुलिस वालों का काम है सबूत लाना, ये बात मैं भी पुलिस से जाना चाहती हूँ, पुलिस वालों का काम है कि जो परेशान है उसका काम है सबूत लाना, जब सबूत मैं ला सकती हूँ तो अपने आदमी को ढूंढ सकती हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ फिर यहाँ 9 महीने से लगातार। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि पुलिस से इंसाफ मिलेगा हर पीड़ित को, हर परेशान को, जो भी अपनी फरियाद लेकर जाएगा फरियादी को। मुझे 9 महीने हो गए आते जाते, तो मुझे क्या क्या न्याय मिल रहा है, क्या कुछ मुझे कुछ भी न्याय नहीं मिला अब तक पुलिस से, और ना मुझे मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मैं 9 महीने से लगातार जा रही हूँ। मैंने सवाल मिलने वे तहसील दिवस में SSP साहब के यहाँ, SPRA साहब के यहाँ, सब जगह प्रार्थना पत्र के, यहाँ तक कि मैं खुद उसमें वहाँ गई थी लखनऊ जनता दरबार में, तब भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है। और मैंने पोर्टल फैक्स भी करे हैं और 10 क्षेत्र भी कई बार फोन कर चुके हैं, मगर कोई भी वो नहीं है, अभी तक निस्तारण नहीं हुआ मेरी परेशानी का।